आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। लड़के जेल में है, पूरी बठिंडी, चुआदी, सुनवा, जलालाबाद, सिदरा, गिरदोनवा, पूरा डुगिया वगैरह उनके साथ है। आज यहाँ का मुसलमान भाई अपने डोगरे भाइयों के साथ है और एक नोबल काज के लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, पूरा जम्मू उनके साथ है। एक नारा है, नो रोड नो टोल। मैं बेसिकली कठुआ से बिलोंग करता हूँ। जो हालत इस रोड की है, यहाँ से कठुआ जाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ राजपूत सभा को कि जिन्होंने एक नोबल काज को लिया है, जिन्होंने लूट के खिलाफ आवाज उठाई है कि जो गवर्नमेंट के नाम से लूट है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। जहां स्मार्ट मीटर की बात आई, जहां माइनिंग वाइफर की बात आई, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब गवर्नमेंट थी 2000 में ट्रॉली रेत की होती थी, आज यही माइनिंग माफिया जो बाहर से हैं वो 8,000-10,000 में दे रहे हैं। ये युवा राजपूत सभा ने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि जम्मू के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। आज वो 21 और 25 भाई हमारे जेल में है। हम जम्मू वासियों के लिए, हम कश्मीर जम्मू के वासियों के लिए है, क्योंकि ये जो टोल है इसको कश्मीर वाले भी देते थे, जम्मू वाले भी देते थे। मैं फिर गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए और उन युवाओं को जिनके साथ जुल्म किया गया, उनको रात को उठाया गया, बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, हम उस बात की कंडेम करते हैं। बठिंडी, सुजमा, चवादी, सेदरा, बजालता वगैरह सारे एरिया जनाब सोबत अली पार्टी साहब बहुत अच्छा काम करा रहे थे, ये भी मौजूद हैं। शहीद अली साहब दोदिया एसोसिएशन प्रेसिडेंट है। आज एक प्रोटेस्ट युवा राजपूत सभा की सपोर्ट में है क्योंकि उन्हें डिटेन किया जा रहा है। साड़ी यह गुजारिश है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए क्योंकि उनका जो मुद्दा जैनुइन मुद्दा है, क्योंकि जोड़ा स्लो टोल प्लाजा है, बन टोल प्लाजा 35-40 घंटों का डिफरेंस है, वो लीगली तरीके टोल नहीं बनता है। जिया भारत सोशल प्रेजिडेंट विक्रम शर्मा साहब ने भी बयान दिता ही, बड़े लीगल तरीके उन्होंने ब्रीफ किया कि ये टोल प्लाजा नहीं लेना चाहिए है। और रोड की जी रोड की जी हालत है वो बहुत बुरी है। इस गल की खाली जम्मू वाले नहीं, कश्मीर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सारी कम्युनिटी ने, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे इस रोड को जानते हैं। सारे ये परेशानी हो रही है क्योंकि जगह जगह प्रोटेस्ट है। आज बांदी काल ही ते आज असें भी पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। सोबत अली साहब साडे शहीद साहब हैं और भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चवादी, बठिंडी, सुजमा ने, जिया मैं कल भी बयान दिता हाँ कि साडा पूरा समर्थन है मुस्लिम कम्युनिटी का कि युवा राजपूत सभा की, और आने वाले वक्त में जिया जनाब सोबत अली साहब, शहीद अली साहब जिया आखन इंशाला अस अगे पीसफुल मार्च भी करा। गुजारिश साड़ी ये है जनाब नितिन गडकरी साहब जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, सेंटर दे विच यूनियन मिनिस्टर हैं, वो भी गल करन नेशनल हाईवे करने क्योंकि उनके अख्तियार हैं सारे, ताकि ये टोल जो पुटिया जाए। ईगो की कोई गल नहीं है, टोल पुटिया जाए, सिर्फ इयो मकसद है और कोई मकसद नहीं है। शुक्रिया। अत्याचार बंद करो, गरीबों को पीसना बंद करो, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी। पूरी सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे अलग अलग पंचायतों से आए लोग, हमारे सुजमा की पंचायत से, डूंगिया की पंचायत से, रेखा की मलक मार्केट से, और वार्ड नंबर 74 से, और सिविल सोसाइटी के लोग, जैसे हमारे साथ नारे भाई सैद अली जी है, मास्टर सैद मोहम्मद जी है, हमारे हाजी साहिबान है, सारे सिविल सोसाइटी के लोग यही एक मांग लेकर चलते हैं कि सुजमा बठिंडी से आई आवाज़ युवा राजपूत के साथ, जो हिटलर शाही, जो तानाशाही तरीके से जिस तरह गवर्नमेंट ने ये टोल प्लाजा पर अत्याचार किया, ये एक जम्मू के बाहर के लोग टोल माफिया, शराब माफिया, माइनिंग माफिया ने पूरे जम्मू कश्मीर को घेर के रखा है। आज हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी तरीके से, जमहूरी तरीके से, बठिंडी के लोग, सुजमा के लोग, चुआती के लोग, सैनिक कलोनी के लोग, रेका के लोग, बठिंडी, मलक मार्केट, पूरी पंचायतों से लोग ये संदेश, ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम जम्मू एकता के साथ हैं, जो राजपूत के साथ हैं, जो भी वो डिसीजन लेंगे
जो जो हम दिली तौर पर उनके साथ हैं, हम आपके जरिए जो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट प्रशासन से, जो जुबा रायपूत को अरेस्ट किया है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और जो टोल प्लाजा पर जो टोल प्लाजा का है वो बंद किया जाए, उससे हम ज़्यादा नहीं कहते हैं। शुक्रिया। रायपूत सभा के फेवर है जो जिंदाबाद।